हेलो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर वालों के लिए री मेडिकल अपील के रिगार्डिंग एक नोटिस यहाँ पर सामने आया है। यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। और जो जो कैंडिडेट भी अगर किसी बाई चांस से अपनी पोस्ट नहीं ले पाते हैं या किसी रीजन से बाहर हो जाते हैं या मेडिकल के उसके कारण किसी भी रीजन के कारण बाहर होते हैं, तो उनको एक न एक बार री मेडिकल अपील के लिए मौका दिया जाएगा। भले वह किसी भी जोन से, हुबली जोन से हो, जयपुर जोन से, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से हो, सभी जोनों के कैंडिडेट को एक न एक मौका दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर जयपुर वाले कैंडिडेट को यहाँ पर दिया गया है। आइए देख लेते हैं इस नोटिस में क्या दिया गया है। CNRRC 1/19 के तहत चिकित्सा जाँच के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने के क्रम में, ठीक है, जिन लोगों को कैंडिडेट A2 और बिलो बी या उससे नीचे के लिए बुलाया गया था यहाँ पर मेडिकल के लिए, इन्होंने यहाँ पर देसी दो सूची जारी करी, पहली और एनेक्सर 2, ठीक है। इसमें पहले एनेक्सर में टोटल 42 कैंडिडेट हैं। ये उन कैंडिडेट की लिस्ट है जहाँ पर C2 लेवल से नीचे पाए गए हैं बंदा, मतलब जिन कैंडिडेट को C1 भी मेडिकल नहीं मिला है उन कैंडिडेट की लिस्ट है। ऐसे टोटल 42 कैंडिडेट हैं जिनको प्रोविजनल पैनल में नहीं रखा जा सकता था, पूरी तरीके से अनफिट किया गया है। ये उन लोगों को भी मौका दिया गया है कि आप जाके दोबारा रीमेडिकल करवा सकते हैं। नीचे कंडीशन दी गई है क्या क्या करवाना, बताता हूँ आगे। और सेकेंड एनेक्सर 2 में ऐसे कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं जिनका B2 और C1 मिला था, लेकिन पद उच्च मेरिट के अभ्यर्थियों से भर जाने के कारण पद आवंटित नहीं किया जा सकता था एवं प्रोविजनल पैनल में नहीं रखा जा सका। मतलब जिन कैंडिडेटों को B2 या C1 मिला था लेकिन पोस्टें उस लेवल की खाली नहीं होने के कारण उन लोगों को बाहर कर दिया गया है, तो उन लोगों के लिए भी मेडिकल के लिए अप्लाई के लिए मौका दिया गया है। यहाँ पर टोटल 78 कैंडिडेट हैं, यहाँ पर टोटल 78 कैंडिडेट को मौका दिया गया है। ऐसे ही सभी जोनों के कैंडिडेट को एक न एक बार मौका जरूर दिया जाएगा। आइए देख लेते नीचे क्या दिया, कंडीशन रखी इन्होंने। यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है कि अनेक्सर 3 रेलवे जयपुर को अध्यक्ष रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर माध्यम से प्रस्तुत की जानी है, ठीक है। ये अपील मुख्य चिकित्सा निदेशक जयपुर के अध्यक्ष समक्ष दिया जाना है। और अनेक्सर 4 में चिकित्सा प्रमाण पत्र संकलन किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। मतलब जो प्रमाण पत्र दिए गए उन पर भरवा के डॉक्टर के साइन करवा के आपको प्रस्तुत करना है जयपुर के उसमें, ठीक है। साथ में यहाँ पर 1000 रुपये का DD बनना है जो कि FANCAONWR जयपुर के नाम से पेबल होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर दिया गया है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फिट पाए जाते हैं उनको 1000 रुपये वापस लौटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप मेडिकल रिमेडिकल के लिए करते हैं और आपको वहाँ पर फिट पा लिया जाता है तो जॉब तो दी जाएगी, साथ में 1000 रुपये भी आपको वापस दे दिए जाएंगे। आप जो भी लिफाफा भर के भेजेंगे उसके ऊपर केंद्रीकृत रोजा सूचना RRC 1/2019 के तहत चिकित्सा जांच परीक्षा के विरुद्ध अपील लिखना अनिवार्य है। अगर ये लिख के भेजेंगे तो ही वो लेटर एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके तहत साथ में ये भी बोला गया है कि ये अपील जो भी एक जो भी तिथि को आज 9 तारीख को नोटिस दिया गया है इसके एक महीने के अंदर प्रस्तुत करना है। मतलब आपका जो भी लेटर है वो एक महीने से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए, अगर नहीं पहुँच पाता है तो उस पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और ये राशि जो 1000 रुपये का DD है वो किसी भी कंडीशन में वापस नहीं की जाएगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर और क्या दिया गया है। ये देख लीजिए अनेक्सर यहाँ पर 4 दिया गया है और इसमें पूरे मेडिकल वाले अपने मेडिकल एक्सपर्ट के साइन इसमें देना है। और ये एनेक्सर 3, ठीक है, इसमें पूरा फॉर्म भर के आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे रोल नंबर दिए गए हैं और किस किस मेडिकल स्टैंडर्ड में यहाँ पर फिट नहीं है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, है ना। तो आप जाके जिन जिन कैंडिडेट के रोल नंबर वगैरह जो भी हैं आप देख लीजिए, यहाँ पर मिला लीजिए कैंडिडेट को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो लोग इस यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे वंचित ना रह जाए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, रेलवे के अपडेट के लिए मैं आपको ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। ये सारे कैंडिडेट के यहाँ पर नाम दिए गए हैं। थैंक यू।